पुरानी ना आ रहा है। अमर रहे, अमर रहे महाराजा हरि सिंह जी। अमर रहे, अमर रहे महाराजा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज इस विलय दिवस पर सभी जम्मू कश्मीर वासियों को, पूरे देश को मेरी तरफ से बधाई है कि आज का ये दिन बहुत ही एक ऐसा दिन है कि जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। ये सबसे एक ऐतिहासिक दिन है कि जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने और उनके जो बाकी हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया और हमें हिंदुस्तान के साथ मिलाया, तो मैं इसके लिए आज के इस दिन पर बहुत बधाई देता हूं सबको। और ये दुआ करता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर इस देश को, इस हमारे जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो हमारे इस दिन के ऊपर हमारे जो बहुत से ऐसे जो कार्यकर्ता है, लोग थे जो उस वक्त, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे मेरे साथी ने पहले भी कहा कि बार बार वही बात हम दोहराए अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी और बड़ी कुर्बानियों के बाद उन्होंने ये, जब कश्मीर एयरपोर्ट को उन्होंने घेर लिया था तो उस वक्त उसको बनाने, उसको हटाने के लिए हिंदुस्तान में जाके, वहाँ जाके ये बात कही गई कि हमारी मदद करो, तो उन्होंने अपनी मदद भेजी और उन लोगों ने आके उस जहाज़ को, ये जहाज़ की जो ग्राउंड थी उसको, उसका छिटकारा कराया और उन लोगों को पीछे धकेला। और उसके लिए एक साल तक कम से कम इनके वो यही करते रहे। तो ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये एक वो है कि जिसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, जिसमें सब लोग शामिल थे, तो उन लोगों ने कुर्बानियाँ देकर इस डोगरा राज को बचाया है। तो ये आज की बात नहीं है, ये जब महाभारत के दिनों में भी भगवान कृष्ण जी भी कश्मीर में आए थे एक दफ़ा, और उन्होंने आके यहाँ की एक नारी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसको आके यहाँ का वो राजा बनाया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ाती है। कश्मीर जो है ये सदियों से हमारा है और अब भी हमारा ही रहेगा। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि हम सब लोग प्रार्थना करें कि हमारे देश में शांति हो, हमारे जम्मू कश्मीर में शांति हो। और आज का दिन जो है, जो हम मना रहे हैं, जिन लोगों ने ऐसा काम किया, हमें उनके रास्ते पे चल के ऐसे ही काम आगे करते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।